हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 10:37 और अभी ही मैं जा रही हूँ बस नहाने धोने, क्योंकि हमने जाना है आज मार्केट। हमको बनाना है बेबी का आधार कार्ड, तो फिर उसके लिए मम्मी मैं देखते बाकी और कौन जाएंगे हमारे साथ। वैसे तो मम्मी और मैं ही जाएंगे, और पहले मैं फटाफट से नहा धोकर आ जाती हूँ। और कपड़ों का समझ नहीं आ रहा यार, क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ ऐसे, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी और गर्मी है बाहर, और मेरे को थोड़े ऐसे सर्दी वाले कपड़े पहनने होते, मतलब गर्म कपड़े पहनने होते, तो फिर उस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी कन्फ्यूज़ हूँ मैं, और मैं अपने सारे कपड़े भी नहीं लेकर आई रामपुर से, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि मेरे को, वैसे मैंने सारी चीज़ें पैक कर रखी थी, बट फिर भी कुछ इतना जल्दी हुआ कि मेरे को खुद से वो सारी चीज़ें लाने का वो वक्त नहीं मिला। और अलका और दलजीत लेकर आया, तो आधी चीज़ें इन बेचारों से छूट गई है, तो देखती हूँ क्या क्या कैसे कैसे पहनती हूँ। और शक्ल की आजकल ऐसी बैंड बज हुई ना, मैं खुद से खुद को पहचान में नहीं आ रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं, मतलब ये ब्लैक हेड्स वगैरह ऐसे इधर हो गया, क्योंकि फेस इतना, फेस वॉश करने में मौत आती है, बहुत ऑयली ऑयली सा हो गया है। मैंने गाइस क्या पहने, मैं सोच रही हूँ मेरे पास एक सूट है ये वाला, काफ़ी खुला खुला सा है, इसको पहन लेती हूँ। क्या है, सारे कपड़े ऐसे लुथे हुए हैं ना, वो छिट्टे से बकती हूँ, दाढ़ी ये बात है, रुको ताता पाई मैं ढेर कुछ है लकूर को से कि ने जोरा का मुसले से पर खोल ठीक है, और पानी के सी थोड़ी छिट्टे मारते रहो, गोते रहो छिट्टे मारो डट के और गोलो छिट्टे मारो गोलो की बाड़ी बन गई, तो बड़ी मुश्किल है बनाना। तो आज ये तोड़ रहे हमारे सेब, ये देखो चो 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 मम्मी चोर बोल रहे हैं, मेरे मुझे चो 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 निकल रहा है, ये देखो ये रीजन की वजह से हमारा आज मार्केट जाना हो गया कैंसिल, तो अभी हम नहीं जा रहे। और मैं थोड़ी देर यहाँ आई हूँ अपने रूम में रेस्ट करने, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी, ये देखो रूम की हालत क्या हो रखी है, ऐसे बेडशीट वगैरह सारी निकल रखी है, तो ये यहाँ पे मतलब ये शीशे की वजह से ना ये रूम काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, तो फिर मैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करना आई हूँ। बेबी भी सोई हुई, उसके बाद डैडी अभी है, और डैडी मेरे को भी सिखा रहे थे बाड़ी की रेसिपी की, बाड़ी कैसे बनाते हैं, बोलते आपको बाड़ी पसंद है, मैंने बोला हाँ, बोलते नमकीन बाड़ी की मिट्टी बाड़ी, मैंने बोला मिट्टी बाड़ी पसंद है, तो मेरे को डैडी बाड़ी की रेसिपी सिखा रहे थे कि ऐसे बाड़ी बनती है वैसे बाड़ी बनती है। तो बस आज सेब तोड़ रहे हैं, मतलब अब यार अब वाला सीजन वैसे नहीं रहता, पहले जैसे घरों में ही भरते थे ना सेब और सारी चीज़ें हमारे हाथ से भरते थे, अब तो मशीनें आ गई है, तो मशीन पे ही ले जाते हैं। और आज तोड़ रहे हैं रेड गोल्डन तोड़ रहे हैं शायद, जहाँ तक मैंने मेरे सुनने में आया, तो बस खुल जा हाँ भाई, खुल ही नहीं, ये देखो इधर क्रेट्स रख रहे हैं, बाकी ये रॉयल भी तोड़ेंगे एक दो दिन से, बट आज तोड़ रहे हैं रेड गोल्डन। देखो भाई पहाड़ी नारी हाई कर रहे हैं, हेलो दिख रहे हैं इनको, स्माइल कर रहे हैं अभी। तो अभी टाइम हो रहा है 1:15, और अभी यहीं पे तोड़ रहे हैं सेब, तो मैं सोच चलो आपको भी दिखाई लेती हूँ, है ना, मतलब मेरे पास वैसे भी आजकल कंटेंट की कमी है, सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा है, और मेरा आजकल बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ ये वो सो, तो बट कंटेंट ही नहीं है पापा इसमें पास, इसलिए मैं दलजीत को बोल रहती हूँ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी वीडियो बना दिया करो यार, और वो बनाते भी बेचारे, बट उनको भी टाइम नहीं होता है। और इधर टंगे हुए हमारे बेबी के कपड़े, इतना अच्छा लगता है ना यार बच्चों के कपड़े घर में, मतलब रौनक हो जाती है। अभी डैडी चढ़े हुए इधर, बाकी जो वो आंटियाँ थी वो नेपाल से वो गए हैं अभी खाली क्रेट्स लाने नीचे, और यहाँ से आज तोड़ रहे हम रेड गोल्डन, ये तो बहुत ही हरा हरा सा लग रहा है मुझे, और ये देखो रेड गोल्डन और रॉयल ये वाला है रॉयल, इसको तोड़ेंगे कुछ दिनों से, ये डैडी है और एक दीदी और है, यह और यहाँ पे हमारी चंदू भी बंदी पड़ी है, ये देखो अब तो काफ़ी ज़्यादा कलर्स आ गया है, कलर्स देख रहे हो, कलर आ गए, ये देखो कीड़े ने खाया हुआ है यहाँ से, ये रॉयल है ये भी, बस एक दो दिन से ये भी हो जाएगा तोड़ने को। अभी फ़िलहाल हम छांट छांट के रेड गोल्डन कोई जो भी अलग अलग वैरायटीज़ होती है ना वो तोड़ रहे हैं, और आसमान पता कितना क्लियर लग रहा है, मतलब बादल इतने सुंदर, ऊपर में से आंखें देखो कि दिखा नहीं जा रहा, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है आसमान अभी, ये देखो वाह बहुत ही सही लग रहा है। डैडी सिखा रहे हैं इनको, क्योंकि ये बेचारे नए नए आए होते हैं ना, तो डैडी इनको बता रहे हैं ऐसे करके तोड़ना होता है, ऐसे करके तोड़ना होता है, क्योंकि इनमें इसकी जो ये होती है ना ये वाली डंडियाँ, ये नहीं टूटनी चाहिए होती है, ये वाली,
ये वाली नहीं टूटनी चाहिए थी, ये तो मुझे हरे हरे लग रहे साले पेड़ में। बाकी वो उधर को जो तोड़े नीचे को जो तोड़े उनमें काफ़ी अच्छे लाल लाल सेब दिख रहे थे मुझे, पर चलो, पर रॉयल तो उसमें काफ़ी अच्छा कलर आया है। अब चलती हूँ मैं, रेस्ट करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इधर उधर भटक रही हूँ, अब ज़्यादा खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है मुझसे, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और बस यार यही है यार, और क्या बताऊँ आप लोगों को, बस गाइस यही है, मेरे जेब में आजकल कचरा पड़ा रहता है। चलती हूँ अब, मम्मी बना रहे हैं इन सब के लिए खाना, ये डिनर क्या लंच की तैयारी करे, और ये इसको इतने घस्से पड़े आज पहले भी पप्पू भैया से यहाँ पर सोने के पीछे, क्योंकि आने जाने में काफ़ी ज़्यादा वो होती है ना, फिर इसको लांग के जाने भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर इसको घस्से पड़े तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वहीं वापस वहीं पर सो गया ये। और बेबी सोई है हमारी, मम्मी लगे थोड़ा बर्तन वर्तन करना मम्मी लेकर आए इतने सारे टमाटर और भिंडी, आजकल काफ़ी सारे मतलब वेजिटेबल वगैरह लगी है, बट मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा है खेत जाने का, जाऊंगी मैं कभी मौका निकाल के, एक दो दिन से ठीक हो जाए दो फिर मैं आपको दिखाऊंगी ढेर सारी सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स तो वैसे आजकल कुछ ज़्यादा नहीं है, सेब वगैरह ही है, बाकी टमाटर आजकल हमारे ऐसे भर भर के है, खूब ही टमाटर है। अपनी प्याज थी है। अब खत्म होगी। यहाँ पर बन रहा है खाना, ये बना रहे हैं मम्मी अपने लिए शिमला मिर्च और आलू, और ये बन रही है मेरे लिए भिंडी, इसमें मतलब कोई कुछ भी नहीं है, ना ही छौंका लगा, मतलब हल्का सा बस थोड़ा सा घी डाला है और प्याज और मतलब हल्दी वगैरह ना वो कुछ भी नहीं है इसमें, मिर्च वगैरह बस सादा सादा सा खाना। हाँ बारिश लग गई है, बारिश, हाँ रुक मैं लाती हूँ, बारिश शुरू हो गई। बाकी सेब का तोड़ा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्रेट्स वगैरह सारी अभी इधर ही पड़ी हुई है, पता नहीं कब कैसे करेंगे, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से भी बेबी के कपड़े अंदर उठा लेती हूँ, कहते हैं कि रात को जो है ना बच्चों के कपड़े बाहर नहीं रखते। और लास्ट वीडियो में कमेंट था कि आपने बेबी को इतनी जल्दी धूप में निकाल दिया, तो मतलब शायद आप ना मतलब आपने पहले वाला व्लॉग नहीं दिखाएगा तभी आपने वैसा कमेंट किया है कि इतनी जल्दी हमारे यहाँ धूप में नहीं निकालते, तो हमारे यहाँ भी धूप में भी नहीं निकालती इतनी जल्दी, वो तो बस ऐसा है कि जॉन्डिस करके मेरी बेबी को जो पीलिया हुआ है उस करके निकालना पड़ता है धूप में, कि धूप से काफ़ी मतलब जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए धूप में हम उसको सुबह की हल्की धूप और शाम की हल्की धूप में निकालते हैं, बाकी ऐसे हम धूप में नहीं निकालते उसको। मेरा पति आ गया, अब नहीं बोलूंगी, अब नहीं नाम निकाल के बोलूंगी, चिंगू के पापा, इसका नाम चिंगू ही ना पड़ जाएगा, इसको चिंगू चिंगू बोलते रहते हैं अब। तो मेरा खाना आ गया है, सोई मत जला लाइट, तो ये भिंडी की सब्जी और रोटियां, और कमेंट थे वीडियो में कि आप ऐसे सूखा सूखा क्यों खा रहे हो, सूखा सूखा इसलिए खा रहे हो क्योंकि जॉन्डिस की वजह से फिर से बोल रहे हो, और दलिया वलिया मूंग की दाल मैं पूरा दिन भर खाती रहती हूँ, तो मेरे को शाम का सब आएगी सब्जी खिला दो, तो मैं सब्जी खा लूँगी, और ये बहुत जोरों की भयंकर बारिश, मतलब बहुत ज्यादा वाली बारिश, डराने वाली बारिश हो रही, लाइट जा चुकी है, तो बस हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, और यहाँ पे चुगली को बॉक्सिंग सिखाई जा रही है अभी से ही, दिख रहा था इसे एंडू, ऐसे मुट्ठी बनानी है और ये पंच मारना है, अपनी बेटियों को अभी से सिखाया जा रहा है, सिखाया भी जाना चाहिए जिस हिसाब से आजकल ये रेप केस ये सारी चीज़ें हो रही है ना, मतलब शर्मसार, मतलब इतने मेरे को सोचते ही ऐसा लगता है यार इंसान इतना कैसे गिर सकता है। जितने अभी चुगली ने पॉटी की तो भी इनको पॉटी की स्मेल आई तो उन्हें सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल दी, और अभी से बारिश होने टेढ़ी बारिश हो रही, पूरी यहाँ पे जो कॉटन का रोल रखा था कपड़े रखे थे सारे गीले हो गए,
एक तो आजकल वैसे ही बरसात है, बेबी के कपड़े सूखते नहीं, और ऊपर से जो यहाँ रखे थे वो भी गीले हो गए इस खिड़की की वजह से। अब तो आज रात को इसको डाइपर ही पहनाना पड़ेगा, पर हम मतलब बहुत अवॉइड करते हैं डाइपर वगैरह ना, बट आज तो पहनाना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जो कपड़े रखे थे मैंने किचन में पहले वो भी नहीं सूखे हैं, और ये वाले तो सूखे हुए गीले हो गए, पूरे जो यहाँ रखे थे सारे गीले हो गए इस खिड़की की वजह से। 10:30 हो रहे हैं, 11:30 बजे बारिश अभी कंटिन्यू हो रही है। मैं अभी इधर पसरी पड़ी हुई है, दलजीत का बिस्तर, दलजीत यहाँ सोते हैं, मम्मी सो गए, दलजीत उधर, तो बस यही चला हुआ है गाइस आजकल।